बड़ी खबर इस वक्त की। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए राज्यपाल की नियुक्ति से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब से कुछ देर पहले आर एन कोविंद को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त करने की खबर आई प्रेसिडेंट ऑफिस से, लेकिन सूत्रों की माने तो राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई राय मशवरा नहीं करने से नीतीश कुमार नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी इस पर जाहिर की है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुजीत, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर? देखिए, ये सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल की नियुक्ति से खुश नहीं है, क्योंकि कोई कंसल्ट नहीं किया गया। आमतौर पर ये परंपरा होती है कि राज्य सरकार से पूछा जाता है कि हम फलाने को राज्यपाल के लिए भेज रहे हैं, उनकी सहमति ली जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये सहमति तो वैसे नहीं ली जाती है और जो भी केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है वो अपने मन के मुताबिक जो भी राज्यपाल होता है उसको भेजते हैं। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव का माहौल है यहाँ पर बिहार में और ऐसे अवसर पर नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो राज्य सरकार या नीतीश कुमार ये चाहते थे कि कम से कम उस पैनल, जो भी उस पैनल में नाम हो उसके बारे में कम से कम जानकारी दी जाए राज्य सरकार को, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई और अचानक नियुक्ति कर दी गई। पिछले 9 महीने से बिहार में राज्यपाल अस्थायी नहीं थे। केसरी नाथ त्रिपाठी, जो कि बंगाल के राज्यपाल हैं, वो प्रभार में थे बिहार के, और 9 महीने के बाद ये नियुक्ति हुई है और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं उनको ये रास नहीं आया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने राज्यपाल की नियुक्ति की है बिना किसी विचार विमर्श के। बिल्कुल, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी इस पर जाहिर की है और कहना साफ तौर पर उनका यही कि कम से कम एक बार राय ले ली जाती। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, एक परंपरा के तौर पर इसे देखा जाता है, लेकिन इस पर नाराजगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से।